हेलो दोस्तों, मैं हूं बिजेंद्र कुमार और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिल्डिंग ड्राइंग पार्ट 6। दोस्तों, इसके पहले आपको बिल्डिंग ड्राइंग के 5 पार्ट कराए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है फुल्ली ग्लास विंडो, जो कि डबल विंडो होगी, टाइप 2। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसमें गिवन डाटा है जिसमें दिया गया है ड्रॉ अ फुल्ली ग्लास विंडो जो कि डबल विंडो होगी, ठीक है। दूसरा दिया गया है विंडो साइज जो हमारी होगी वो 2 मीटर × 1.5 मीटर की होगी, ठीक है। अज्यूम डाटा हमें स्केल लेना है 110 की स्केल लेना है, ठीक है। और जो हमें विड्थ यानी चौड़ाई के लिए जो हमें स्केल लेना है, जो मैं स्केल लूँगा वो 1.5 को लूँगा और जो हाइट के लिए वो 110 की ही स्केल रहेगी। आप क्या करेंगे, यानी कि पांचवा हमारा है ऑल स्टूडेंट टेक 1:10 स्केल। आप क्या करेंगे, अपने ड्राइंग शीट पर 1:10 की ही स्केल पर ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। चाहे वो सेक्शनल साइड हो, चाहे सेक्शनल प्लान हो, चाहे फ्रंट एलिवेशन हो, ठीक है। सभी में आप क्या करेंगे, 1:10 की ही स्केल लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी 2 मीटर जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और 1.5 मीटर वर्टिकल है। तो 2 मीटर को जब हम स्केल पे चेंज करेंगे तो 2 × 100/10, तो ये हमारा 20 सेंटीमीटर आ गया स्केल पर। तो क्या करेंगे, हम स्केल पे खींच लेंगे। सबसे पहले हमें MD को सेट कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से हमारी MD सेट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर स्केल पे खींच लेंगे। यहाँ पे हमारा आ रहा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से हमने खींच लिया। दोस्तों, यहाँ पे आप क्या करेंगे, हमारी जो हॉर्न होता है, आप जानते हैं हॉर्न कितना होता है, 10 सेंटीमीटर का होता है, यानी कि एक्चुअल में बात करें तो 10 सेंटीमीटर, स्केल पर बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस तरह से हमने खींच लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने खींच लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 सेंटीमीटर हो गया है। दोस्तों, अब सामने से देखने पे हमारा जो पोस्ट होगा, या फिर आप कह सकते हैं ये हमारा जो हेड होगा, वो 8 mm चौड़ा दिखाई देगा स्केल पर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने खींच लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसी तरह से काम कर लेंगे, यहाँ पे 8 mm, यहाँ पे हम प्रोजेक्शन लेके इसको हम बराबर मिला सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने हॉर्न बना लिया है। अब यहाँ पे हाइट दी गई हमारी कितना है, 1.5 मीटर, यानी कि स्केल पर जब चेंज करेंगे तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 15 सेंटीमीटर पूरी हाइट से रहेगी यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे 8 mm, यानी कि यहीं पे आके नीचे से 8 mm पे आके हम रोक देंगे, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम 1 सेंटीमीटर का हॉर्न लेंगे नीचे की तरफ भी फंसाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने खींच लिया इस तरह से, इस तरह हम आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, ठीक। इसको भी यही करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर से कितना ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हमने कर लिया। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हॉर्न बना लेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का हॉर्न रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पॉइंट कर लेंगे, इसको हम मिला के इसको हम मिला लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसको हम यहाँ पे इस तरीके से मिला लेंगे, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हमने बाहर बाहर का जो हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है किसके लिए, फ्रेम के लिए। अब यहाँ पे 8 mm का, ठीक है, स्केल पे 8 mm और एक्चुअल में 8 सेंटीमीटर का हम अंदर से फ्रेम के लिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, जैसा कि आपने
यहाँ पे एक थोड़ा सी एक्स्ट्रा लाइन हो गई, आप इसको इरेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है, इसको हम इस तरह से, ठीक है। अब इसको भी आगे की तरफ बढ़ा लेंगे यहाँ पे ऐसे करके। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, यहाँ पे हमारा फ्रेम बन चुका है, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा विंडो होगा इसमें आके फिट होगा, यानी कि 2 mm का हम डॉटेड लाइन खींच लेते हैं चारों तरफ। तो यहाँ पे 2 mm डॉटेड लाइन खींचेंगे, ठीक है, चारों तरफ। तो यहाँ से हम आइए खींच लेते हैं इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हमने 2 mm का चारों तरफ लाइन, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस डॉटेड लाइन से, सॉरी, यहाँ पे डार्क लाइन से 5 mm, ठीक है, 5 mm छोड़कर यहाँ पे एक डार्क लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। डार्क लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। फिर अब क्या करते हैं, इस डार्क लाइन से भी, यानी कि यहाँ से भी हम क्या करते हैं, एक डार्क लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने डार्क लाइन ड्रॉ कर ली दोस्तों। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसका मिड पॉइंट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 17.4 सेंटीमीटर आ रहा है, 17.4 / 2, तो 8.7 आ रहा है। तो 8.7 तो यहाँ पे आ रहा है मिड पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मिड पॉइंट मिल गया। अब मिड पॉइंट से 5 mm लेफ्ट में क्या करेंगे, एक डार्क लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। डार्क लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे, फिर 5 mm इस साइड में भी एक डार्क लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इतना क्लियर है। अब दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे हमने डार्क लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से 2 mm लेफ्ट अंदर की तरफ, 2 mm लेफ्ट एंड 2 mm राइट, हम क्या करते हैं, एक दो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से हमने इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। यहाँ से भी कर लेंगे इस तरह से, ठीक है, आप इसी तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली है दोस्तों। यहाँ पे आप पूरा इसको डॉट कर दीजिएगा, यहाँ पे इसको, यहाँ पे, क्योंकि खांचा कटेगा तो इसमें भी आके हमारा जो पल्ला होगा वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा डॉट कर देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इस डार्क वाली लाइन से 5 mm, ठीक है, 5 mm स्केल पर 5 mm और एक्चुअल में 5 सेंटीमीटर यहाँ से डार्क लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारी दो विंडो अलग अलग हो चुकी है, ठीक है। ये हमारी होती है डबल विंडो, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, कितना है, ये आ रहा है 7.7 / 2, तो 3.85 आ रहा है, 3.85, तो 3.85 लगभग यहाँ पे आ जाएगा इसका मिड पॉइंट, ठीक है। अब मिड पॉइंट से क्या करेंगे, यहाँ से मिड पॉइंट से 1 mm लेफ्ट डार्क लाइन, फिर 1 mm डॉटेड लाइन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ पे दोस्तों। अब हम एक विंडो को बनाएंगे, इसको एक विंडो को बनाएंगे और बाद में इसको, ठीक है, बाद में स्पीड हम बढ़ा देंगे इसको, तो जैसा इसको बनाएंगे वैसा ही इसको बनाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इस डार्क लाइन से 5 mm डार्क लाइन से 5 mm लेफ्ट में एक डार्क लाइन, फिर इस डॉटेड लाइन से 5 mm राइट में एक डार्क लाइन, ठीक है, खींच लेंगे इस तरह से, क्लियर है आप। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इस वाली लाइन से 5 mm ऊपर एक डार्क लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक, इसमें भी कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे भी क्या करेंगे इस तरह से खींच लेंगे 5 mm। दोस्तों अब इसका क्या करते हैं, मिड पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, इसका मिड पॉइंट कितना आ रहा है, 12.4 आ रहा है, ठीक है, 12 point यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है, 12.3 में से हम 5 mm माइनस कर देंगे, ठीक है, 12.3 माइनस 0.5 ये आ जाएगा 11.8, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीधे सीधे इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 12.3 डिवाइडेड बाई 2, तो 6.2 ले लेते हैं, 6.2, तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट आ रहा है, मिड पॉइंट से 2.5 mm ऊपर और 2.5 mm नीचे, यानी 5 mm हमें छोड़ना है, तो 2.5 mm नीचे और 2.5 mm ऊपर, ठीक है, यहाँ से इसको भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको भी, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम ब्लॉक बनाते हैं, इसमें भी बनाएंगे ब्लॉक, इसमें भी बनाएंगे, इसमें भी बनाएंगे और इसमें भी बनाएंगे, तो आइए हम बना लेते हैं, क्या किस चीज़ का ब्लॉक, हमारा जो है ग्लास का, ठीक है, तो आइए बना लेते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हमने 2 mm का चारों तरफ हमने एक ब्लॉक बना लिया और इसी तरह से तीनों में बना लिया, और जो हमारी कांच होती है उसकी हैचिंग 45 डिग्री पर हमने कर दिया चारों में। दोस्तों जैसा कि इसमें हम लोग बनाएँ ऐसा ही ठीक इसमें भी बनाते हैं, तो आइए हम बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हमने इस साइड में भी हमने इसी साइड के जैसे हमने विंडो बना ली, ठीक है, तो ये हमारी हो गई डबल विंडो। दोस्तों अब क्या करते हैं, हम इन सभी कॉर्नर का प्रोजेक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे हम सेक्शन काट के यहाँ पे सभी का हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, तो आइए हम कर लेते हैं इसको। दोस्तों यहाँ पे हमने सभी कॉर्नर का प्रोजेक्शन ले लिया और यहाँ पे सेक्शन काट के इस साइड से देखेंगे, ठीक है, जब इस साइड से देखेंगे तो ये जो सेक्शन बनेगा सिंपली जो हमारा सिंगल विंडो था उसी की तरह बनेगा। तो आइए हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, एक डार्क लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने प्रोजेक्शन ले रखा है, तो यहाँ पे एक डार्क लाइन खींच लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमने डार्क लाइन एक खींच लिया, ठीक है, जैसा सेक्शन आप सिंगल विंडो बनाए थे ठीक वैसा ही इसमें भी बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्केल लिया है विड्थ के लिए, यानी चौड़ाई के लिए 1.5 की, तो 1.5 की यानी कि स्केल पे जब चेंज करेंगे 30 सेंटीमीटर वॉल को, दीवार की जो चौड़ाई रहेगी या मोटाई रहेगी वो 30 सेंटीमीटर रहेगी, 30 सेंटीमीटर को हम जब स्केल पे चेंज करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम खींच लेते हैं इस तरह से 6 सेंटीमीटर और इसको हम मिला लेते हैं इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो RCC लिंटल रहेगी या फिर CC लिंटल रहेगी, इसकी जो मोटाई वो 10 सेंटीमीटर होती है और स्केल पर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो दीवार है इसको आगे की तरफ कंटिन्यूअस कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कंटिन्यूअस कर देते हैं, ठीक है,
और ठीक है यहाँ पे भी इसको हम कर देते हैं दीवार की। ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको कंटिन्यूस कर देते हैं। ठीक है यहाँ पे आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब क्या करते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने सभी कॉर्नर का यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन ले रखा है। ठीक है तो प्रोजेक्शन ले रखा है तो यहाँ पे हमारा जो अंदर वाला साइड होगा वो इस साइड में हो जाएगा और बाहर वाला साइड उस साइड में हो जाएगा। मिडिल वाला हमारा जो पोस्ट कटेगा वो दिखाई देगा। ठीक है आप यहाँ पे सेक्शन काट के यहाँ से देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे 13 × 26 mm यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है 13 सेंटीमीटर होता है एक्चुअल में, जब स्केल पे चेंज करेंगे तो 26 हो जाएगा। ठीक है 26 mm यानी 2.6 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर होता है तो स्केल पे चेंज करेंगे तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो बाहर बचा ठीक है वो तो बाहर बच ही जाएगा। ठीक है ये हमारा क्या होता है, ये इनर साइड होता है, ये इनर साइड होता है और ये आउटर होता है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ इनर साइड, इनर साइड। ठीक है कितना होता है, ये होता है 13 सेंटीमीटर एक्चुअल में, जो कि दीवार की मोटाई के में से 13 माइनस कर देंगे तो ये दोनों बच जाएगा। ठीक है 10 और 7 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा जो पल्ला होता है, इनकी जो जो विंडो का पल्ला होता है उसकी मोटाई जो होती है वो 4 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो 4 सेंटीमीटर हम ले रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर को जब स्केल पे चेंज करेंगे तो 8 mm आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 mm पॉइंट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे इस तरह से बढ़ा लेते हैं। ठीक है 8 mm ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया इस तरह से बढ़ा लिया। ठीक है क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे हमारी जो इसको हम पहले बराबर कर लेते हैं। ठीक है ये हमारी बनेगी जो इस तरह से हमारा जो पल्ला होगा वो सेट होगा, किसमें जो हमारा पोस्ट होगा, यानी कि जब यहाँ से हमारा पोस्ट जब कटाई कटेगा तो इसमें हमारा सेट होगा, ये हमारा पल्ला होता है। ठीक है ना तो दोस्तों यहाँ पे हमारी लकड़ी है तो ये लकड़ी कैसे होती है कटित, यानी कि इसका सेक्शन हम बना लेते हैं तो कुछ इस तरह से कटी हुई होती है, इसीलिए ये आपको सेक्शन दिखाई दे, इसीलिए जो मैं स्केल लिया हूँ वो जो है 1/5 की स्केल चौड़ाई के लिए लिया हूँ। ठीक है यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं, काट लेते हैं। ठीक है सेक्शन काट लिए। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे यह हमारा कांच लगा हुआ है, यहाँ पे कांच लगा हुआ है। तो कांच का सिंबल सिंपली से क्या होता है, आप इसको सीधे से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा सेक्शन हुआ है। ठीक है यहाँ पे सीधे सीधे क्या करते हैं इसको यहाँ पे ऐसे, ठीक है और ठीक यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ओके तो दोस्तों यहाँ पे हमने कांच को ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे इस तरह से हमारा कांच फंसा हुआ होता है इस तरह से। ठीक है इस तरह से हमारा जो कांच है वो फंसा हुआ होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लकड़ी का हमारा साइन हो जाता है। ठीक है यहाँ पे लकड़ी में कांच फंसा हुआ होता है। ठीक है तो यहाँ पे इस तरह से हमने सेक्शन बना लिया किसका, विंडो का, जो कि हमारी डबल विंडो है। ठीक है अब इसी तरह से हम इसका ऊपर वाला सेक्शन, यानी कि यहाँ से हम सेक्शन करके ऊपर भी देखते हैं। तो ऊपर वाला सेक्शन आपको, ऊपर वाला सेक्शन जो डोर में, यानी कि जो हमारा पैनल डोर था और ग्लास डोर था और सिंगल विंडो में थोड़ा सा गलत हो गया था, आप उसको सुधार लेंगे। ठीक है तो यहाँ पे हम इसमें सही सेक्शन बनाएंगे।
तो चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका सेक्शन लेके ऊपर प्रोजेक्शन लाइन खींच लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने सभी कॉर्नर का प्रोजेक्शन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं, ये हमारा हो गया एक्स, ठीक है। और यहाँ पे इसका हम नाम दे देते हैं एक्स डैश, ठीक है। कार्ड के ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी लाइन हो गई। अब इसके बाद हम स्केल पे चेंज करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। 6 सेंटीमीटर को यहाँ पे हम खींच लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे आ गया, ये हमने ड्रॉ कर लिया जो कि दीवार की मोटाई है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंटिन्यूस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कंटिन्यूस कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से, अब दोस्तों यहाँ पे यही प्रॉब्लम हुई थी डोर में, इनकी जो हमारा पैनल डोर था और ग्लास डोर था और सिंगल विंडो में यही गलतियाँ हुई थी, तो आप इसको इसमें सुधार लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा इनर साइड है, ठीक है। तो इनर साइड इस साइड में नहीं होगा, इनर साइड ऊपर वाली साइड में होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर 26 mm छोड़ देंगे, यानी कि इनर जो हमारा हो जाएगा वो ऊपर हो जाएगा, सॉरी यहाँ से होगा, ठीक है। यहाँ से ये हमारा इनर हो जाएगा और 2 सेंटीमीटर हमारा पोस्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। नेमिंग हैचिंग हम बाद में करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा ये हमारा आउटर हो गया, ये हमारा इनर होगा। अब जब हम दरवाज़ा यानी कि विंडो खोलेंगे तो बाहर की अंदर की तरफ खुलेगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम मिला लेंगे यहाँ पे इस तरह से, इसको भी हम मिला लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने मिला लिया। दोस्तों अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसका हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, पहले इधर से इस साइड से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले हमारा जो होगा ये पल्ला होगा और पल्ला किधर होगा, ऊपर की साइड होगा। तो 8 mm, ठीक है, 8 mm का हमारा जो है पल्ला हो जाएगा किसका, विंडो का, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम खींच लेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है, इसको हम खींच लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, इसको हमने खींच लिया। इसको हम इस पेंसिल से दिखा देते हैं जो कि हमारी HB है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम इस साइड में, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा ये 2 mm डॉटेड लाइन है जो इसमें, इसमें हम क्या करते हैं, यहीं पे हम खींच लेते हैं जो कि स्टॉपर होता है हमारा, ठीक है। ये हमारा हो जाता है स्टॉपर, ठीक है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये हमारा हो गया स्टॉपर। यहाँ पे इसको हम बढ़ा लेते हैं इसको आगे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा हमारा होता है, इसको हम पहले तो ये हमारा जो पल्ला है इसको हम पूरा मिला लेते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने इस तरह से बना लिया है, यहाँ पे एक छोटा सा हमारा गुटका टाइप रहता है जो कि स्टॉप करता है इसको, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे भी इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा पल्ला हो जाएगा इसके नीचे,
ठीक है, इस पल्ले को हम क्या करते हैं पूरा बढ़ा लेते हैं आगे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे हमने बढ़ा लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस तरह से हमने सेक्शन बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जब हम अंदर की साइड खोलेंगे, ये हमारा अंदर हो गया, इनर साइड हो गया, ये हमारा आउटर हो गया, जब खोलेंगे तो बाहर तो खुल जाएगा लेकिन यानी कि अंदर तो खुल जाएगा लेकिन बाहर जब धक्का देंगे तो यहाँ पे ये रुक जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रुक जाएगा और ये यहाँ पे रुक जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये सेक्शन बहुत सही है, ठीक है। और आप क्या करेंगे, आप जो डोर वाली है, डोर वाली वीडियो और विंडो वाली वीडियो, सिंगल विंडो वाली, उसमें आप इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आप उसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा ये चीज़ बन चुका है, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा, ये गुटका होता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारी सिंपली जो हैचिंग होती है, सबसे पहले हम इसी को बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो ग्लास है इसको हम बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसमें भी बना लिए, इसमें भी बना लेंगे, ठीक है, और इसमें भी खींच लेंगे इस तरह से, और ठीक यहाँ पे खींच लिए, यहाँ पे भी खींच लिए इस तरह से, यहाँ पे भी खींच लिए और ठीक यहाँ पे भी खींच लिए। तो आप देख रहे हैं हमने ग्लास का साइन लगा दिया है यहाँ पे इस तरह से, हमारा ग्लास फंसा हुआ होगा लकड़ी में, सेक्शन आपको अच्छे से दिखाई दे इसीलिए हमने चौड़ाई के लिए स्केल अलग ले लिया था, जिससे चौड़ाई थोड़ा बढ़ जाए और आपको इसकी जो सेक्शन है वो अच्छे से दिखाई दे। दोस्तों ये सेक्शन आप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि डोर वाले और विंडो वाले में सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, लकड़ी का सिंबल दिखा लेते हैं इस तरह से, ठीक है, ये लकड़ी का सिंबल है, कट जाएगा इस तरह से, ये लकड़ी का सिंबल है, ठीक है, लकड़ी का सिंबल ये भी होता है इस तरह से, इसको भी कर लेते हैं, ये भी लकड़ी ही है। और यहाँ पे इसको भी लकड़ी बना लेते हैं और ये यहाँ पे इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो सेक्शनल प्लान है, ठीक है, वो भी बन गया है। दोस्तों आइए इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं और हैचिंग कर लेते हैं, तो आइए कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों इस तरह से हमने नेमिंग और हैचिंग भी प्रोवाइड कर दी है, तो आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी लंबाई जो है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लंबाई जो है वो 2 मीटर है और वर्टिकल लंबाई जो है 1.5 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा हेड है, ये हमारा हॉर्न है, ठीक है, ये हमारा टॉप रेल है, ये ग्लास है हमारा और ये मीटिंग स्टाइल है, ठीक है, और ये हमारा बॉटम रेल है। दोस्तों हमारा जो सेक्शनल साइड है इसमें इस तरह से हमने सेक्शन कर लिया है और ये हमारा अंदर की साइड में है, इनर साइड जिसको कहते हैं 13 सेंटीमीटर है और ये हमारा आउटर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये बीच में जो 10 सेंटीमीटर जो जिसमें हमारा पोस्ट बनाया जाता है और ये हमारा 30 सेंटीमीटर की दीवार होती है, ठीक है, ठीक है। यही काम हम प्लान में भी करेंगे, तो प्लान में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे 30 सेंटीमीटर जो है दीवार की मोटाई है, ठीक है। इसमें हमारा स्टॉपर लगा हुआ है, यहाँ पे इसका हम साइन बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारी जो विंडो होगी वो स्टॉप होगी, ठीक है, ये अंदर की साइड में खुलेगी, इसीलिए हमारा इनर साइड है। जब हम धक्का देंगे बाहर से तो ये अंदर खुलेगी और इधर जब हम आउटर से धक्का देंगे तो ये इन
अंदर की तरफ खुलेगी। तो इस तरह से ये आप कॉन्सेप्ट रख सकते हैं। और दोस्तों ये आप जो ड्राइंग बनाए हैं जो डोर वाली उसमें भी आपका क्या करेंगे, इसमें आप इनर कर लेंगे और इसमें आउटर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि डबल विंडो कैसी बनाई जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।